हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सबका साप्ताहिक राशिफल में। 4 जून से 10 जून के राशिफल की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले यानी कि एरीज की काम काज तथा आर्थिक लाभ के कार्य विलंब से होंगे। धार्मिक यात्राओं की संभावना विशेष रहने वाली है। धनेश तथा सप्तमेश शुक्र मेष राशि के नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए जो पारिवारिक संबंध है, आर्थिक लाभ है, दाम्पत्य जीवन है, व्यापारिक संबंध है तथा निजी संबंधों में प्रतिकूलता आ सकती है। दोस्तों, भाग्य स्थान से धनु राशि के मूल नक्षत्र में होकर भ्रमण कर रहा है, इसलिए कार्य क्षेत्र में तथा आर्थिक लाभ के लिए मैत्री संबंधियों में मध्य परिणाम प्राप्त होंगे। धीमी परंतु निरंतर प्रगति होगी। आर्थिक लाभ में कोई अज्ञात संयोग आपको रोकता हुआ महसूस होगा। अगर आप ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सप्ताह का अंत मानसिक सुकून देने वाला रहेगा। शनि मंत्र का जप करें, अपने छोटों का सहयोग करें और काली चीज़ों का दान करें। बात करेंगे हम वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले यानी कि टॉरियंस की अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। इस सप्ताह प्रयास से आपकी प्रगति के मार्ग खुल सकते हैं और इस सप्ताह ग्रहों की अनुकूलता प्रगति का मार्ग खोलेगी। व्यावसायिक लाभ के बहुत ही अच्छे अवसर बन रहे हैं। निकट संबंधों में करवाहट को दूर करने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार की कानूनी कठिनाइयों की अगर आशंका है तो सतर्क रहें। दोस्तों, सप्ताह के प्रारंभ में मनोवांछित परिणाम न मिलने से हो सकता है थोड़ा सा मन चिंतित रहने वाला है। विद्यार्थी शिक्षा प्रतियोगिता में लापरवाही ना बरतें, अन्यथा परिणाम बुरे हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में मन सुख व उत्साह से परिपूर्ण रहेगा। योजनाओं को फलीभूत करने में आप सक्षम होंगे। पीली वस्तुओं का दान करें, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के रखें और गुरु के मंत्रों का जप करें। बात करेंगे हम मिथुन राशि वालों की यानी कि जेमिनाई की। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आप कुछ हद तक भावुक रह सकते हैं। इस समय जीवन साथी अथवा दाम्पत्य सहयोगी के साथ बेहतर तालमेल रखना बहुत ही जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में आप अकारण ही चिंतित व परेशान रह सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हैं तो आपके विरोधियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके अंदर साहस और बुद्धिमानी तो है, किंतु इस लोगों से चर्चा परिचर्चा करना बेवजह के विवाद दे सकता है। दोस्तों, पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य का नाराज रहना भी आपको व्यथित करेगा। सप्ताह के अंत में कुछ आर्थिक चिंताएं संभव है। इस सप्ताह विवाद और विरोध के कारण ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ सकती है। अध्ययन के क्षेत्र में प्रयास पूरा नहीं होने से असफलता की आशंका है। व्यवहार और प्रयास को संतुलित करने का प्रयास करें। कुल मिलाकर यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। मंगल के मंत्र का जप करें, रक्त दान करें, मसूर की दाल का दान करें, गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। बात करेंगे हम कर्क राशि वालों की। इस सप्ताह आर्थिक, संतान एवं सामाजिक तौर पर तनाव भरा हो सकता है। पूरे सप्ताह मन विचलित होने से कार्य प्रभावित रहने वाला है। धन अभाव के कारण कई कार्य में विलंब होगा। सावधानी रखें, निराशावादी विचार कार्यों की नियमितता में बाधक बनने वाले हैं, इसलिए अपने उच्च मनोबल को बनाकर रखें। आप अगर उच्च मनोबल और बौद्धिक क्षमता द्वारा नियोजित परिश्रम करेंगे तो आय और व्यय में संतुलन बिठाकर रखेंगे तो कठिन स्थिति में भी आप हर दायित्व को पूर्ण करने में सफल होंगे। राजनीति अथवा सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को स्थानांतरण संबंधी चिंताएं परेशान कर सकती है। मन और स्वास्थ्य संबंधी कष्ट पूरे सप्ताह परेशान कर सकता है, तो बहुत थोड़ा सावधानी से चले दोस्तों। हनुमान चालीसा का पूरे हफ्ते आपको पाठ करना है। गेहूं भिगा करके गाय को खिलाना है। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके दिन की शुरुआत करें और देखिए आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी। बात करेंगे हम सिंह राशि यानी कि लियो की। दोस्तों, सप्ताह के शुरुआत में आपको अपने कार्य क्षेत्र के मन मुताबिक काम करने के अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी सहकर्मियों द्वारा आपको सहयोग मिलेगा। काफ़ी समय से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। सप्ताह के मध्य में कोई कानूनी विवाद या मुकदमे की जीत आपके लिए खुशी का कारण बन सकती है।
अपनी तरक्की के समाचार भी सुन सकते हैं आप। और सप्ताह के अंत में किसी से अकारण तर्क वितर्क ना करें, संयमित जीवन जिए, कंट्रोल रखें, सेल्फ कंट्रोल रखें और आपके कार्य और अध्ययन में समय और गुणवत्ता में बढ़ोतरी का प्रयास आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। ओम केंग केतवे नमः, इस मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, गाय की सेवा करें, आहार दें और दोस्तों आपकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी। बात करेंगे हम कन्या राशि की, यानी कि वर्गों की। ये सप्ताह धन आगमन के हिसाब से बहुत अच्छा कहा जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य हल होने वाले हैं। सप्ताह व्यस्तताओं में परिपूर्ण है, थोड़ा बिजी रहने वाला है, लेकिन शासन और सत्ता का लाभ मिलेगा। राजनीतिक सक्रियता बढ़ सकती है। समस्याओं के मध्य भी कार्य हल होते नजर आएंगे। संघर्ष और परिश्रम से पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त करेंगे। लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरतें। किसी व्यवसाय में पूंजी निवेश से पूर्व अनुभवी लोगों से सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह रचनात्मक कार्यों की सफलता प्राप्त करेंगे। किसी इच्छित कार्य की पूर्ति होगी। सभी का सहयोग इस सप्ताह प्राप्त होगा। सफलता की योग भी है। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करें। सुबह सुबह हनुमान जी की उपासना करें। मसूर की दाल और गुड़ का दान करें। दोस्तों बात करेंगे हम तुला राशि की, यानी कि लिब्रंस की। सप्ताह के शुरुआत में आपके चारों तरफ एक सुखद माहौल रहने वाला है। घर परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां बढ़ने वाली है। सप्ताह के मध्य में पिछले दिनों से चल रही लेन देन की कोई बड़ी डील तय हो जाने से आपको खुशी मिलने वाली है। पर्याप्त धन आ जाने का सुख मिलेगा। इस धन को फिलहाल सुरक्षित रखने की तरकीब पर विचार करें, अन्यथा यह सब पारिवारिक सुख सुविधाओं पर ही व्यय हो जाएगा। इस सप्ताह मनोरंजन और दोस्तों के कारण अध्ययन और स्वास्थ्य दोनों को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। क्रोध पर काबू रखें। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। हनुमान जी की उपासना करें। मसूर की दाल गुड़ का दान करें। दोस्तों बात करेंगे हम वृश्चिक राशि वालों की, यानी स्कॉर्पियंस की। इस सप्ताह आपके लिए शुरुआत से ही खुशगवार होगा। आपके सोचे हुए कार्य, आपको अनायास ही किसी व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। काम आसानी से संभव हो जाएगा। रुके हुए काम करने का आप प्रयास कर सकते हैं, निश्चित सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट या नवीन कार्य का प्रारंभ करने से लाभ की प्राप्ति होगी। अध्ययनरत हो तो अच्छे परिणाम से उन्नति के लिए दोस्तों से दूरी जरूर होगी, तभी रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। रक्त विकार या पुराने रोग कष्टकारी हो सकते हैं। शनि के बुरे प्रभाव से उत्पन्न कष्ट की शांति के उपाय हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः की एक माला जप करके दिन की शुरुआत करें। उड़द या तिल का दान करें और विष्णु भगवान की पूजन करें। दोस्तों बात करेंगे हम धनु राशि वालों की। कार्य में नवीनता से सफलता तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभव है। दोस्तों का अच्छा सहयोग कार्य में सफलता दिलाने में सहायक हो सकता है। राजनैतिक मान सम्मान की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। अवसर का पूरा लाभ ले सकने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह संतान को हॉस्टल में भेजने की तैयारी से इमोशनल होने की संभावना है। इस सप्ताह सामाजिक और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है, किंतु शारीरिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है। जल तथा कफ या एलर्जी से कष्ट की संभावना है, अतः बचाव के लिए ओम सोम सोमाय नमः इसका जप करें। अन्नपूर्णा माता के स्तोत्र का जप करें। चावल दूध और दही का दान करें। बात करेंगे हम मकर राशि की, यानी मेरी राशि। दोस्तों इस सप्ताह आपके रिश्तों में या व्यवसायिक स्थिति में परिवर्तन संभव है। वाहन सुख तथा आय में वृद्धि होने से चल संपत्ति का क्रय कर सकते हैं। भागीदारी में या पार्टनरशिप में विवाद का निपटारा होने की संभावना है। कोई पुराना दोस्त मिल सकता है। इस सप्ताह चोट मोच या जानवरों से एलर्जी की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोन से संबंधित कष्ट दिखाई देता है। व्यसन से स्वयं को बचाकर रखें एवं मित्रों के बीच खान पान से सतर्कता बरतें। उपाय बताती हूँ आपको। ओम केंग केतवे नमः का जप करके अपने दिन की शुरुआत करें। सूक्ष्म जीवों की सेवा करें। हल्दी और नारियल का दान करें। बात करेंगे हम कुंभ राशि वालों की। इस सप्ताह शासकीय पक्ष या कार्य से लाभ तथा वाहन या मकान संबंधी कार्य से लाभ या वित्त की प्राप्ति हो सकती है। आपके कामों में प्रतिद्वंदी का सहयोग प्राप्त होकर के कार्य पूर्ण होना है।
किसी भी प्रकार के लाभ के लिए अनैतिक तरीका ना अपनाएं, उससे हानि होगी। अपने व्यवहार में साफ सफाई रखें, थोड़ा सा सीधा सीधा बोलें। यदि आप थोड़ा भी धर्म या नीति के विरुद्ध कार्य करते हैं तो आपके सारे कार्य बिगड़ने के साथ साथ आपको अपयश मिलेगा तथा हानि होने की संभावना है। किसी भी प्रकार के भूमि वाहन संपत्ति संबंधी कार्य में सावधान रहें, ठीक तरह से कागजात जांच लें तभी आगे कार्य करें। आपकी माँ के स्वास्थ्य की चिंता संभव है और उपाय इसके लिए ये है कि ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का माला जाप करके दिन की शुरुआत करें। एक माला का आपको जप करना है, मूली का दान करना है और सूक्ष्म जीवों को आहार देना है। बात करेंगे हम मीन राशि वालों की। इस सप्ताह आपको सामाजिक कार्य या समारोह में शामिल होने हेतु यात्रा की संभावना है। यश सम्मान की प्राप्ति के लिए आर्थिक स्थिति चिंता का कारण हो सकता है। दोस्तों, पूर्ण प्रयास करने के उपरांत भी अगर विद्यार्थियों को मनचाही सफलता प्राप्त नहीं होती है, कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्र से अच्छे लाभ की संभावना है। आलस्य के कारण कार्य में विलंब एवं टालने के कारण हानि हो सकती है। श्वास रोग हो सकता है, कष्ट संभव है। काम करने पर सेहत से संबंधित कष्टों के बचाव के लिए कुछ मंत्र बता रही हूँ, उसका जप करें। ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः, इसका जप करें। दूध चावल शंख श्वेत वस्त्र मोती का दान करें और शिव जी का दूध से अभिषेक करें और आप देखेंगे दोस्तों कैसे आपके कष्ट से आपको मुक्ति मिलती है। तो अपने आपने जानी अपने ग्रहों की चाल, अपने भविष्य को जाना, कर लीजिए ये उपाय। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से हम कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी। हैव अ वेरी हैप्पी संडे, हैव अ वेरी हैप्पी वीक अहेड। भगवान करे, माता रानी करे, आप सबके सारे दुख दूर होकर के ढेर सारी खुशियाँ आपके आंचल में रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।